हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडाइम शिफ्ट। माय नेम इज अरुणजीत। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो चकमा हाजोंग इशू के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको दूर करता है बेस्ड ऑन रिसर्च, फैक्ट्स एंड ट्रूथ। सो दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ जेनेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ चकमोज एंड हाजोंग्स इन अरुणाचल प्रदेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 1962 का वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ नेफा, और फिर उसके बाद कैसे बाहर से लोगों को ला के अरुणाचल में सेटलमेंट देने की स्कीम की शुरुआत हुई। एंड बाय जून 1964 फर्स्ट ग्रुप ऑफ चकमा माइग्रेंट्स वर इंडक्टेड इनटू अरुणाचल प्रदेश फॉर सेटलमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अरुणाचल के अंदर बाहर से लोग ला के सेटलमेंट देना वॉज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के लिए लिए गया एक पॉलिसी डिसीजन था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चकमा हाजोंग लोगों को या अन्य लोगों को बाहर से ला के अरुणाचल में सेटलमेंट देने के क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहला कारण था अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि बहुत ही कम था, ओनली 11 persons पर स्क्वायर माइल, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था। सेकेंड रीजन वॉज कि बॉर्डर एरिया में पॉपुलेशन वैक्यूम होना उसका फायदा दुश्मन देश उठा सकता था। थर्ड रीजन वॉज कि बॉर्डर एरिया में सेटल पॉपुलेशन होना एक पॉजिटिव डिटरेंट के रूप में काम कर सकता है अगेंस्ट द टेम्पटेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। चौथा कारण था बॉर्डर एरिया में सेटल पॉपुलेशन होने से आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट कम होने की संभावना। पांचवा रीजन वॉज कि प्रोग्रेसिव कम्युनिटी की सेटलमेंट होने से अरुणाचल के लोगों का मॉरल बूस्टअप होगा और लोकल लोगों को इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए इंस्पायर करेगी। सिक्स्थ रीजन वॉज कि नेफा में मिक्स्ड कम्युनिटी के सेटलमेंट से अरुणाचल के लोगों की इमोशनल इंटीग्रेशन होगा विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली यही रीजंस थे जिसके वजह से सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत चकमा हाजोंग लोगों को और अन्य लोगों को अरुणाचल के अंदर सेटलमेंट करवाया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सरकार सिर्फ चकमा हाजोंग लोगों को नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कम्युनिटीज को अरुणाचल के अंदर सेटलमेंट दिया, जैसे देवरीज, आहोम, एक्स असम राइफल्स के लोग, एक्स सर्विसमैन के लोग और भी बहुत सारे लोगों को भी सेटलमेंट दिया। विजयनगर में एक्स सर्विसमैन और एक्स असम राइफल्स के लोगों को सेटलमेंट करवाया गया। इवन सिजोसा में भी पंजाब और हरियाणा से बुला बुला के एक्स सर्विसमैन लोगों को सेटलमेंट दिया गया। भारत सरकार ने चकमा हाजोंग लोगों की सेटलमेंट के लिए 5 स्कीम्स सैंक्शन किए। स्कीम 1 है चौकम सेटलमेंट स्कीम, जहां 214 चकमा फैमिलीज को सेटलमेंट दिया गया था। स्कीम 2 है दीवान पखान नमदापा सेटलमेंट स्कीम, जहां 1005 चकमा हाजोंग परिवारों को सेटलमेंट दिया गया। स्कीम नंबर 3 है खागम सेटलमेंट स्कीम, जिसके तहत लगभग 1300 चकमा हाजोंग परिवारों को सेटलमेंट दिया गया था। खागम सेटलमेंट स्कीम जो है आज के जो डायुन एरिया है, एम्पेन एरिया और मानती एरिया, उसको खागम सेटलमेंट स्कीम कहा जाता है। स्कीम 4 है नामदफा फार्म बेस एरिया वाली स्कीम, जिसके तहत नामदफा एरिया में 350 चकमा हाजोंग परिवारों को सेटलमेंट दिया गया था। आज ये जो नामदफा फार्म बेस स्कीम एरिया है वो नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है। और स्कीम नंबर 5 है होलोंगी दीर्घा एरिया का सेटलमेंट स्कीम, जहां उस वक्त 250 चकमा परिवारों को सेटलमेंट दिया गया था। जहां आज होलोंगी एयरपोर्ट बन के तैयार है, उसमें से कुछ पार्ट इस चकमा सेटलमेंट स्कीम का भी हिस्सा है। इन 5 सेटलमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने लगभग उस वक्त 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, फिर जाके चकमा हाजोंग लोगों का सेटलमेंट अरुणाचल के अंदर हुआ।
ये सब चीजें, ये सब बातें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्ड्स में हैं। तो कुछ लोग जो बेकार में ही चिल्लाते रहते हैं कि चकमा हाजोंग लोग इलीगल मिग्रेंट्स हैं, इलीगली अरुणाचल के अंदर इन्फ्लक्स किया है, उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप चकमा हाजोंग इशू को थोड़ा स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोगों को गलत फहमी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर जो चकमा हाजोंग इशू के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर कर सकें और अधिक से अधिक लोगों तक सच को पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडाइम शिफ्ट।